सरकार कोई भी हो, कितने भी प्रयास कर ले, जीरो टॉलरेंस के कितने भी दावे किए गए, लेकिन मशीनरी में मौजूद भ्रष्ट तंत्र माल काटने की जुगाड़ बना ही लेता है। सरकारी भवनों के निर्माण में होने वाली लूट घसोट से तो सभी वाकिफ हैं। अब एक नया तरीका सामने आया है जिसमें एक अच्छे भले सरकारी भवन को जर्जर घोषित कर उसके स्थान पर नया भवन बनवाने की नींव डाली जा रही है। ग्रामीण न केवल पुराने भवन को सही सलामत बताते हैं बल्कि गांव के एक व्यक्ति का उस पर कब्जा होना बता रहे हैं। मामला सीतापुर जिले के परसेंडी ब्लॉक अंतर्गत ग्राम अमौरा बनई रामा का है, जहां की ग्रामीणों ने समाधान दिवस से लेकर जिलाधिकारी तक को इस संबंध में शिकायत भेजकर जांच की मांग रखी है। आज ये आपको सुनाते हैं शिकायतकर्ता ग्रामीण चौबेस का क्या कहना है। मामला ये है, हमारे वहाँ सचिवालय बना है बौरा में, तो मैंने खन्नू महाराज से कहा इसकी मरम्मत नहीं हुई, तो उसने कहा पंचायत मित्र, उसने कहा यह बिल्डिंग ध्वस्त है और प्रधान और सेक्रेटरी को ध्वस्त बता रहे हैं, सबको कहमा ये मदारपुर बना है वो चल रहा, और यहाँ नवादा में यहाँ चल रहा, और भारीपुर में चल रहा है, ये सचिवालय मेवा रामनगर चल रहे हैं, हमारे वहाँ ध्वस्त बता करके अम्बोरा से बनई रामा में बनवाना चाहते हैं प्रधान और सेक्रेटरी और पंचायत मित्र मनमानी कर रहे हैं, हमारे वहाँ रिपेयरिंग हो जाए तो ये भी चले लगे, हम यही चाहता हूँ। मैंने 76 पर कॉल किया, सेक्रेटरी ने ध्वस्त की रिपोर्ट लगा दी, फिर डीएम साहब को दिया, उसी पे ध्वस्त की रिपोर्ट लगा दी, रिपोर्ट लगा रहा है, और जिसके खिलाफ मैं देता हूँ वो भी रिपोर्ट लगा कर मनमानी कर रहे हैं प्रधान और सेक्रेटरी, और प्रधान सपा का और विधायक सपा का, इसलिए हम लोगों की सुनी नहीं जाती है यहाँ पर, वो उठा करके अपने वहाँ बनवाना चाहता है। ये जो सचिवालय है इसको ध्वस्त बता रहे हैं, इसपे कुछ क्या काम करवाया है उसने। ग्रामीणों ने प्रकरण को लेकर जिले के आला अफसरों से शिकायत की थी। इसमें कहा गया था कि अमौरा बनई रामा में पूर्व प्रधान द्वारा बनवाया गया ग्राम सचिवालय मौजूद है, सिर्फ उसकी बाउंड्री टूट गई है, जिसकी मरम्मत ना कराकर ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा पूरे भवन को जर्जर बताते हुए ध्वस्त कराए जाने की सिफारिश की जा रही है। जाहिर है कि ग्रामीणों ने मांग तो मरम्मत और सचिवालय से अवैध कब्जा हटाए जाने की रखी थी, लेकिन अफसरों ने उल्टा खेल कर डाला। ब्लॉक के एडीओ पंचायत रमेश चंद्र मिश्रा द्वारा इस संबंध में 9 जनवरी को एक रिपोर्ट जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी गई थी, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ग्रामीण धनीराम का क्या कहना है। मेरा सभी अधिकारी महोदय से निवेदन की आकर के यहाँ देख तो लिया जाए ये रिपेयर होने वाला है या नहीं, जैसे सब चल रहा है इसके साथ के बने हुए वैसे ये भी चले, इसका रिपेयर करवा दे, इसका पैसा जो भी लगेगा सरकार का नया बनाएगा उसमें ज्यादा बजट लगेगा, और इसमें कम रिपेयर हो जाएगा तो कम पैसे में चलने लगेगा, कृपया आकर के देख तो ले यहाँ से, हमारी मंशा ही सभी अधिकारियों महोदय से निवेदन है कि आए यहाँ पे इसकी स्थिति देख ले, अगर ये रिपेयर होने वाला है तो कराएं, वरना यहीं पे जब ये बना है पहले से। आइए बेडियो पंचायत की रिपोर्ट देखते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि ग्राम सचिव अनिलेश कुमार की मौका मुआयना रिपोर्ट के आधार पर उक्त भवन ध्वस्त होने योग्य है, इसलिए उसकी साफ सफाई नहीं की जा सकती। इस रिपोर्ट के आधार पर अपर जिला पंचायत राज अधिकारी इंद्र नारायण सिंह ने 30 जनवरी को अपनी रिपोर्ट भेज दी। इसके मुताबिक ग्रामीणों की शिकायत की जांच ग्राम सचिव द्वारा की गई, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर भवन जीर्ण शीर्ण होने के चलते पुराने भवन को ध्वस्त कराकर नवीन भवन निर्माण का आदेश प्रेषित किया गया। ऐसे में लाख टके का सवाल है कि झूठ कौन बोल रहा है, अफसर या ग्रामीण। जाहिर है मामला जांच की दरकार रखता है, क्योंकि तभी सच्चाई का पता चल सकेगा। हैरत तो इस बात की है कि ग्रामीण जांच की मांग कर रहे हैं और उधर अफसर सचिवालय को कागजों में गिराकर नया बनवाने की तैयारी कर रहे हैं। आई इंडिया के लिए तालगांव से गोविंद गोपाल सिंह की रिपोर्ट।